अब हमारी अगली रेसिपी क्या है देखते हैं। हमारी अगली रेसिपी क्या है? लाल मट्ठे के शंकर पाले। लाल मट्ठे के शंकर पाले, ओके। सामग्री उसकी बताएंगे क्या क्या है? एक कटोरी मैदा, लाल मट्ठे के पत्ते, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा, अजवाइन, बस दैट्स इट। तो ये क्या है? ये हमारा वक्त बचाने के लिए मैं ये ऑलरेडी तले हुए लेके आई। अच्छा, ये लाल मट्ठे को आपने? हाँ हाँ, लगे ऑलरेडी तले। ओके, ये ऐसे ही खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा ना ये? हाँ लगेगा ना ये, सिर्फ उसमें थोड़ा सा नमक जरा लगा के आप खा। नहीं, इसके जगह कुछ और भी हो सकता है क्या? इसकी जगह पे मैं पालक के शंकर पाले बनाती हूँ, मेथी के भी बनाती हूँ। अच्छा, लेकिन ज्यादा करके हमारे घर पे पालक का ही बनता है। पर ये सूझा कैसे आपको कि लाल मट्ठे फेंट डालेंगे शंकर पाले में? वैसे मतलब हरी सब्जियाँ पेट में जाएं तो ये पर्पस था। मेरे पति को हरी सब्जियाँ पसंद नहीं। हाँ। इसीलिए मैंने ये बनाना शुरू कर दिया। और फिर इस तरीके से आपने उन्हें उल्लू खाते नहीं तो ज्यादा करके हम यही खाते हैं। आगे क्या करना है ये बताइए मुझे। एक कटोरी मैदा है, थोड़ा मैदा मैं रख लूंगी रोटी बेलने के लिए। ओके, उसके बाद अभी इसमें तीखा तो हम अलग से कुछ है नहीं हमारे पास, इसीलिए काली मिर्च पाउडर जरा सा ज्यादा डालेंगे हम। बहुत ज्यादा डालिए। ये क्या? आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन। आधा चम्मच जीरा। जीरा, जीरा। और दो चम्मच हमें मोहन मिलाना है, लेकिन उसके पहले स्वाद अनुसार नमक मिलाना है। हमारी जितनी क्वांटिटी है उतना नमक डालना है। ओके, अभी मोहन हमने तेल गरम करने को रखा ही है। यस। तो मोहन डाल रही हूँ। अभी ये जो हमारे तले हुए पत्ते हैं ना, वो इसमें मिलाने वाले हैं हम। ये वैसे ही कुरकुरे रहते हैं, ये सिर्फ क्रश करने हैं उसमें हमें। नहीं, मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछते रह गया कि हम अगर बिना तेल ही इसे ले लें तो क्या हो सकता है? वो काफी नरम रहते हैं और ऐसे क्रंची नहीं होते हैं। अच्छा। और आप जो पूरी बनाते हैं, पूरी क्यों नरम पड़ती है? वो उस वजह से पड़ती है, और वो सिर्फ 2-3 दिन ही रह पाएगा। वो 8-15 दिन तक आप शंकर पाले रख सकते हैं। ये हम गूंद रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट, शंकर पाले करारे बनाने हैं तो हमें मट्ठे को तल लेने हैं। कुरकुरा और दूसरा मतलब टिकाऊ, और पेट में भी तो जाएंगे ना वो। हाँ, वो तो है ही, वो तो सबसे अहम कारण है। उल्लू बनाना ही हमारा पहला उद्देश्य है। ऐसे ज्यादा उसके ये रेशे आते हैं ना, वो हम निकाल देंगे। ओके, अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा और डालिए। और ये थोड़ा सा गाढ़ा गूंदा है ना, क्योंकि पतला गूंदा तो रोटी बेल नहीं पाएंगे हम। ओके, और अगर ज्यादा गाढ़ा हुआ तो भी उसकी काफी पतली रोटी अच्छे से बढ़िया बना सकते हैं हम। ये कैसा लगेगा इस बात की मुझे काफी उत्सुकता है, ठीक है, क्योंकि लाल मट्ठे नाम के हरी सब्जी के इस तरह के कभी शंकर पाले हो सकते हैं। अभी हमने ये काफी अच्छे से गूंद लिया है ना, तो इसका रंग ऐसा आ गया है। और अब हम इसके दो हिस्से कर लेंगे। ओके, ये लाल मट्ठे का रंग इसमें उतर गया है। अब थोड़ा मैदा हमें नीचे इसके डालना है। अच्छे से घुल गया है वो रंग इसमें। और तलने के बाद, मुझे तो पूरा यकीन है कि तलने के बाद उसमें लाल मट्ठा या फिर ये रंग दिखेगा ही नहीं, क्योंकि तलने के पहले अलग रंग होता है, इसलिए आप अंदर जो भी दबा के खिला देंगे ना, वो समझ में नहीं आएगा। ओके, अभी एक 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 करके डालना है ना हमें। वो काम मुझे जमेगा। साधारण तरह डायरेक्ट निकालने के बाद खा सकते हैं ना? हाँ, ये ठंडा करके खाना चाहिए, नहीं तो गरम गरम जबान जल जाएगी ना। हाँ, बाद में 2 दिन तक खा ही नहीं पाएंगे। मतलब बात ये है कि भुक्कड़ जैसा ना करें, ठंडा कीजिए फिर खाइए। क्या है, गर्मा गर्म खाने को भी ना मिले ना, तो अभी हम गर्मा गर्म जब तक तैयार कर रहे हैं, आप जल्दी से लिख लीजिए। क्या है, गर्मा गर्म जब है ना चीजें तो जल्दी जल्दी होती है। सामग्री और विधि लिख लीजिए जल्दी से। लाल मट्ठे के शंकर पाले बनाने के लिए लगने वाली सामग्री: मैदा, लाल मट्ठे के पत्ते, नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा, अजवाइन, पानी और तेल। विधि: सबसे पहले लाल मट्ठे के पत्ते डीप फ्राई कर लें। एक बाउल में मैदा लेके उसमें काली मिर्च पाउडर, जीरा, अजवाइन और नमक
और पानी मिला के उसमें तले हुए लाल मट्ठे के पत्ते क्रश करके आटा गूंध लें। थोड़ा मैदा फैला के इस आटे की रोटियां बेल लीजिए। शक्कर पाले काट के लाल होने तक फ्राई कर लीजिए।